दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि गिद्ध और चील में से कौन सा पक्षी ज्यादा खतरनाक है तो आप असमंजस में पड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही शिकारी पक्षी हैं और अपने भोजन के रूप में दूसरे जानवरों को मारकर ही खाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों पक्षियों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो एक को दूसरे से ज्यादा ताकतवर साबित कर देगी। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ईगल की। इस विशालकाय पक्षी को हम चील और गरुड़ के नाम से भी जानते हैं, जो अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। यह एक शिकारी पक्षी है जो अपने तेज, शक्तिशाली और अचूक झपटने के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह करीब 6 किलोग्राम वजनी जानवर को भी अपने पंजों में उठाकर आसानी से हवा में उड़ सकता है। और चील की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि उसकी निगाहें बहुत तेज होती है, और कहा जाता है कि चील जैसी आंखें अगर इंसान के पास हो तो इंसान करीब 1.5 फीट की ऊंचाई से भी जमीन पर चल रही चींटी को आसानी से देख सकता है। और यही नहीं, चील की आंखें बिना गर्दन घुमाए 360 डिग्री तक देख सकती है, जबकि हम इंसानों की आंखें मात्र 180 डिग्री कोण तक ही देखने की क्षमता रखती है। इसकी शारीरिक बनावट देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि इस पक्षी के सभी अंग केवल और केवल शिकार के लिए ही बने हैं। और इसकी चोंच आगे से मुड़ी होती है, जिसकी मदद से वो पल भर में ही बेहद ही मजबूत चमड़ी को भी आसानी से फाड़ कर रख देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं गिद्ध की, जिसे अंग्रेजी में वल्चर के नाम से भी जानते हैं। इस पक्षी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बदसूरत पक्षी का ख्याल आता है, जो जीने के लिए दूसरे जीवों के मरने का इंतजार करता है, क्योंकि शिकार करने से ज्यादा वे मरे हुए जानवर को खाना पसंद करते हैं। इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये झुंड में रहते हैं और पल भर में ही बड़े से बड़े जीवों को खाकर उनका नामो निशान मिटा देते हैं। इसलिए इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मरे हुए जीवों को खाकर हमारे वातावरण को साफ कर देते हैं। यह पक्षी बेहद ही आलसी प्रवृत्ति का होता है, जो शिकार करने से ज्यादा मरे हुए जानवरों का मांस खाना पसंद करता है। यह पक्षी चील की अपेक्षा बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन इनके अंग चील की अपेक्षा बहुत ही कमजोर होते हैं, क्योंकि उनकी चोंच और पंजे शिकार करने के लिए नहीं बल्कि सड़ा हुआ मांस खाने के लिए बने होते हैं, और इसलिए इन पक्षियों को मुर्दाखोर पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। आज से 50 साल पहले तक यह पक्षी पूरी दुनिया में पाए जाते थे, लेकिन हम इंसानों द्वारा अपने मवेशियों को दी जाने वाली दर्दनाशक दवा इनके लुप्त होने का कारण बनने लगी है। दोस्तों, अब बात करते हैं गिद्ध और चील में से कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा ताकतवर है, और इन दोनों की लड़ाई में कौन सा पक्षी विजेता होगा। तो दोस्तों, जहां चील बहुत ही तेज और शिकारी पक्षी है, वहीं गिद्ध एकदम आलसी और मुर्दाखोर पक्षी है। गिद्ध चील की अपेक्षा बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन उनके अंग बहुत ही कमजोर होते हैं, जिससे चील का कुछ नुकसान नहीं होगा। चील की रफ्तार भी गिद्ध से बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसके कारण चील गिद्ध को आकार के अलावा हर चीज में मात दे देगी। अतः हमारे विचार से चील और गिद्ध की लड़ाई में चील ही विजेता होना चाहिए। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।